नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सदा हरी घास लेकर आया हूं, जो कि हमेशा हरा भरा रहता है पानी पाकर। तो आज इसी फायदे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों, यह सदा हरी घामरा घास हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों, यूँ तो यह पौधा बरसात के दिनों में अपने आप चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे गार्डन वार्डन में लगाकर सालों साल पानी देते रहते हैं तो यह हरा भरा रहता है, इसीलिए इसका नाम ही है सदा हरी घास। और बहुत से लोग इसे पीला बड़ा भृंगराज भी कहते हैं, यानी महाभृंगराज नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं से जरूर देखे होंगे खेत के मेड़ में या फिर गार्डन में, बाग बगीचों में। तो दोस्तों, यह घास दर्द के लिए, सूजन के लिए, दांत खाज खुजली के लिए, त्वचा के लिए, घाव को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर किसी का शुगर डायबिटीज का घाव है, ठीक नहीं हो रहा है, पानी फेंक रहा है, पीप मवाद फेंक रहा है, सूख नहीं रहा है, तो इसके हरे हरे ताजे ताजे पत्तों को तोड़कर इसका रस निकालकर फिटकरी का पाउडर डालकर अगर उस जख्म के ऊपर, घाव के ऊपर आप लगाते हैं तो वह घाव बिल्कुल सूख जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह सदा हरी घास जख्म को सुखाने के लिए। और दोस्तों, अगर दर्द है, चोट है, मोच है, तो उसमें इसके पत्तों को तोड़कर तिल के तेल के अंदर डालकर पकाइए, और पकने के बाद जब यह पत्ता जलकर काला हो जाए तो आप उस तेल को उतार कर छान कर किसी बोतल में भर लीजिए, और फिर आप उस तेल से मसाज कीजिए तो दर्द में आराम मिलेगा। चाहे दर्द कमर का हो, या जोड़ जोड़ का हो, या गर्दन का हो, घुटने का हो। दोस्तों, यह जो आप पीला पीला फूल देख रहे हैं, इस पीले पीले फूल को पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट में शहद मिलाकर और एक दो चुटकी हल्दी डालकर अगर चेहरे पर मसाज करते हैं तो चेहरे का दाग धब्बा छाई और चेहरे में होने वाला पिंपल्स रोग ठीक हो जाता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, कैसा भी पुराना से पुराना लोहा लग जाए, कट जाए, फट जाए, तो इसके पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर, पेस्ट बनाकर ताजे ताजे जख्म के ऊपर लगा दीजिए तो रक्त का बहना, खून का बहना तुरंत तुरंत रुक जाएगा। इतना तेज चमत्कारी या जड़ी बूटी है, तुरंत फायदा करता है। दोस्तों, किसी के हाथ पर किसी भी चीज से जल जाए तो उस जले हुए स्थान पर इस सदा हरी के पत्तों को तोड़कर पीसकर आलू के साथ पेस्ट बनाकर जले हुए स्थान पर लगाने से झलका नहीं पड़ेगा और जलन नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस जड़ी बूटी के बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों में से मैंने आपको कुछ ही फायदे बताए हैं। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।